आपने यहाँ पर थ्री लाइंस हैं, यहाँ पर क्लिक कर देना है ऊपर। यहाँ मेन नेट आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, मेन नेट पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने आ जाना है, ये चेक करिए मेन नेट चेकलिस्ट, मेन नेट चेकलिस्ट पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर अब आपने सबसे पहले डाउनलोड पाई ब्राउजर ऐप, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अगर आपके पास नहीं है तो आपने इसको कर लेना है, ठीक है। तो साइन इन पाई पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा गूगल प्ले स्टोर पर। अगर आपका पहले से ना हुआ, मैंने इंस्टॉल कर लिया है, प्ले स्टोर से जाकर के आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। और ये देखें, ये आपके सामने पाई का ब्राउजर ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से केवाईसी वाला प्रोसेस होता है, लेकिन इससे पहले कुछ और चीजें हैं जो हमें करनी है, ठीक है। अब मैं वापस अपनी मेन नेट चेकलिस्ट में आता हूँ, मेन नेट चेकलिस्ट में आ गया। अगला काम आपने करना है क्रिएट अ पाई वॉलेट, और ये वॉलेट आपने बड़े ध्यान से करना है। इस पर क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पर इसके ये जो वॉलेट है, आपने इसका वॉलेट क्रिएट करना है। आप क्या करना है, आपने क्रिएट योर वॉलेट, आपने क्रिएट न्यू वॉलेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट न्यू वॉलेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे ये वाली है, ये आपके कीज हैं, ये कीज आपने यहाँ से कॉपी कर लेने हैं। एक तो ये आपने यहाँ कॉपी कर लिए, इनको आपने सेव कर लेना है अपने किसी जो है क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे या एमएस वर्ड पर या कोई कॉपी पर आप लिख के आप इसको शेयर अपने पास सेव कर लें, ठीक है। ये आपने लाजमी सेव करने हैं क्योंकि इसके बगैर आप जब विड्रा लेंगे आपका विड्रा नहीं होगा, ठीक है। तो इनको आप लिख लें अपने पास किसी कॉपी पर, ठीक हो गया। इसे मैंने कॉपी कर लिया, मैं पहले मुझे सेव कर लेता हूँ। अब दोस्तों उसके बाद यहाँ से कॉपी हो गया, आई सेव्ड माई फ्रेज पर आपने क्लिक कर देना है, और जो आपने कॉपी की थी फ्रेज उनको यहाँ से आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अनलॉक विद फ्रेज यहाँ नीचे आपने इस पर क्लिक कर देना है। आपने इस पर क्लिक कर दिया, उसके बाद अगला स्टेप आपके सामने लोडिंग में कुछ टाइम यहाँ पर लेगा, इंटरनेट आपका फास्ट होना चाहिए। यहाँ पर ये आपकी है, दिस इज योर आइडेंटिटी ऑन दी पाई ब्लॉक चेन, तो ये हमारी आइडेंटिटी है। इसको भी आपने यहाँ से ये देखें इसको कॉपी कर लेना है, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको अपने पास सेव। अब उसके बाद यहाँ पर सर्चेबल बाय यूजर नेम है, उसके बाद नॉट सर्चेबल है, तो आप बेशक सर्चेबल बाय यूजर नेम करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। और उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ हमारा पाई वॉलेट क्रिएट हो चुका है।